সে এক গায়ের কথা সুখ দুঃখ শোক একাকার হয়ে থাকে কল্পনার লোক মিশে যায় স্বপ্নে যার পুষে বালো মিশে যায় স্বপ্নে যার পুষে বালক সে এক গায়ের স্বপ্ন সুখ দুঃখ শোক কাগজে কলমে তাকে বাঁধে না যে ফিল্ম ফিল্ম ওয়ার্ড শুনতে হি জো পহলি চিজ হামারে দিমাগ মে আতি হ্যায় ভো হ্যায় এন্টারটেইনমেন্ট অর ফিল্ম দেখনা কিসে পসন্দ নাহি হোতা পর আপনে কভি সোচা হ্যায় কি জো ফিল্মে হাম আজ দেখ রহে হ্যায় ক্যা এসি হি থি ফিল্মে দুনিয়া बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में ना तो हमारे पास VFX था ना साउंड मिक्सिंग डिवाइस। आज हमारे पास तकनीकें हैं, इंटरनेट है, पर तब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना, अगर मेहनत करो तो सब पॉसिबल है, और ये उनकी मेहनत ही तो है जो आज भी 1960s की फिल्मों को गोल्डन एज ऑफ सिनेमा कहा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपके NSU TV पे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे का जन्म आज ही के दिन यानी 2 मई 1921 में हुआ था। आपके हिसाब से पहले की फिल्मों में और आज की फिल्मों में क्या अंतर है? पहले की फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पहले की जो फिल्में होती थी वो कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ देखा करती थी, बट आज की कैरेक्टर्स जो होती है वो स्क्रिप्ट के बदौलत चलती है। इसके अलावा पहले की जो मूवीज़ थी वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होती थी, बट आज जो भी मूवीज़ बनती है वो एक पर्पज़ के साथ आती है, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर प्रमोशनल हो। इसके अलावा सत्यजीत रे की एक मूवी थी चारुलता। उस चारुलता मूवी में उन्होंने एक लड़की के कैरेक्टर को दिखाया था जहाँ वो अपनी शादी के बाद के सारे प्रॉब्लम्स को फेस करती है। और अगर देखा जाए तो अगर आज की लड़कियाँ उन मूवीज़ को देखती हैं तो वो फिर भी अपने आप को कनेक्टेड फील कर पाती हैं उससे। पहले की मूवीज से लोग अपने आप को कनेक्टेड फील कर पाते थे, बट आज की मूवीज से शायद ही लोग अपने आप को कनेक्टेड फील कर पाते, क्योंकि अभी इमेजिनरी विजन ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको सत्यजीत रे के बारे में क्या जानकारी है? मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। वो कैलकाटा में बॉर्न हुए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, और फिर उन्होंने अपनी आर्ट एजेंसी में काम किया एज एन आर्ट डायरेक्टर। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब अपना सारा कुछ बेच दिया अपना फर्स्ट फिल्म बनाने के लिए, जो कि था पाथर पंचाली। बेसिकली ये फिल्म में इस फिल्म का मतलब ये था कि मतलब स्टोरी लाइफ कवर करता था। और फिर उन्होंने 36 फिल्म्स बनाई, जिसमें से 29 फीचर फिल्म्स था, 5 डॉक्यूमेंट्रीज था और 2 शॉर्ट फिल्म्स था। थैंक यू। तो दोस्तों, ये तो रही आज की फिल्मी दुनिया की बात, तो क्यों ना आपको लिए चलते हैं तब की फिल्मी दुनिया में, जब असल में सत्यजीत रे ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी। तो आइए ले चलते हैं आपको उनकी दुनिया में। बांग्लार घरे घरे सत्यजीत राय माने गुप्पी गायन बाबाई और फेलुदार डिटेक्टिव सीरीज। हाँ, छोटो बाच्चार थेके बड़ो बुड़ो अब्दि सबाई ओनाके एक ही डाके जाने। एकटा फैक्ट निश्चय जानिस कि सन्तोष दत्त मारा जाबार पर সত্যজিৎ রায় ফেলুদা সিরিজ বন্ধ করে দিয়েছিল। কেন? উনি ভাবতেন যে ফেলুদা সিরিজের জটায়ু ক্যারেক্টারটা সন্তোষ দত্ত ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। এটা তো আমি জানতাম না। আচ্ছা, তুই কি প্রফেসর শঙ্কুর গল্প শুনেছিস? ফিল্ম ডাইরেক্ট করার বাদে উনি বইও লিখেছিলেন। ঠিক তাই, সত্যজিৎ রায় আমাদের ইন্ডিয়ান সিনেমা এবং লিটারেচারে অগাধ কন্ট্রিবিউশনস। तो देखा आपने कैसी थी सत्यजीत रे की दुनिया। प्रोग्राम के एंड में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तकनीकें चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, पर जो खूबसूरती पहले के इंडियन सिनेमा में थी वो कहीं ना कहीं आज खत्म सी हो गई है। वी एज अ मीडिया स्टूडेंट हम ट्राई करेंगे कि वो खूबसूरती हम वापस ला सकें।